नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान मिश्रा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। आइए नजर डालते हैं खबरों की तरफ। जयमोहनी रेंज के आरक्षित जंगल में पक्का निर्माण कार्य जारी, वन विभाग मौन। खबर चंदौली संवाददाता रविशंकर मिश्रा। जयमोहनी रेंज के चोरमुआ में आरक्षित जंगल पर प्रदीप आनंद महाराज जी का पक्का निर्माण कार्य जारी, लेकिन जयमोहनी रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी नदीम खान के द्वारा जरा सा भी रोक नहीं लगाया जा रहा है। वहीं क्षेत्र के गरीब आदिवासी वनवासी दलितों के झोपड़ी को गिराने के लिए जोर शोर से अभियान चलाकर गिराया जा रहा है, लेकिन पक्के मकान का निर्माण पुल नहीं गिराया जा रहा है। इसमें आभास किया जा रहा है कि गरीब वर्ग के लोग वन विभाग को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनकी झोपड़ियों को गिराया नहीं जा रहा है, नहीं तो शासन से मिले निर्देश के आधार पर काशी वन जीव प्रभात रामनगर के आदेश पर तो सभी जंगल की जमीनों को खाली कराने का आदेश प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा आदेश नहीं प्राप्त होगा कि सिर्फ गरीबों का ही झोपड़ी गिराया जाए, क्योंकि अभी पिछले दिनों ही थानवा में बसे आदिवासी वनवासी की दर्जनों झोपड़ियां गिराकर कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया था। इसलिए यह आभास किया जा रहा है, जयमोहनी रेंज में बात करने पर बताया कि बीजेपी नेता सर अपना परिचय बताएं। नजीम अहमद, वन क्षेत्र अधिकारी जयमोहनी रेंज। सर एक चोरमरमा के पास में अवैध निर्माण वन में हुआ है, बाबा जी है। अपना कुटिया, इससे पहले कुटिया रखे थे, अब जो है कि अपना पक्का उक्का मकान बना रहे हैं, इसके विषय में बताएं। ऐसा है, बाबा ने वहाँ कब्जा कर रखा है, काफ़ी पुराना है, हमारे समय का नहीं है, फिर भी हमने दो बार प्रयास किया तो ऊपर से दबाव पड़ा नेताओं का, नेता हुए और भी जो सम्मानित व्यक्ति हैं उन्होंने भी दबाव दिया, कह रहे पढ़ा रहे तो बाबा है बाबा है। सर लेकिन आप बता सकते हैं किसका दबाव इस पर पड़ा? अरे नेताओं का दबाव पड़ता और क्या है, जो आते जाते रहते हैं यहाँ पे, भाजपा के नेता। भाजपा का नेता कुछ नाम बताएंगे? नहीं, नाम तो मुझे याद नहीं है। नाम नहीं याद नहीं, तो इसकी शिकायत आपने आगे कहीं की? कुछ नहीं, हमने अपनी वो तैयार करिए लेटर बना करके सबको कर दिया है जी, और डीएफओ भी अल्टीमेट कर दिया कि फोर्स उपलब्ध कराए जिससे खाली कराया जा सके।